हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर यूट्यूब जावा सीरीज़। आज हम बात करेंगे चॉइस लिस्ट के बारे में कि कैसे हम अपने एप्लेट या जावा फ्रेम पर चॉइस को ऐड करते हैं। चॉइस लिस्ट होती है जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें चॉइसेस दी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जब कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ बहुत सारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है BCA, MCA, BTech, whatever your courses, तो उसे हम सिलेक्ट करते हैं ऐसी लिस्ट को बनाने के लिए कि जो पहले तो एक सिंगल बॉक्स हो जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, हमसे क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारी आ जाए। तो ऐसे लिस्ट को बोलते हैं चॉइस लिस्ट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं क्या है। हमने यहाँ क्लास बनाई है डेमो नेम से। डेमो का एक कंस्ट्रक्टर है जो कॉल होगा ऑटोमेटिकली जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। दिस इज अवर मेन फंक्शन। तो ये जो मेथड है ये हमने बनाया है विंडो को क्लोज करने के लिए ताकि हमारा जो क्लोज बटन है वो वर्क कर सके, राइट। ओके, तो अब चॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं चॉइस C1 इक्वल टू न्यू चॉइस और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, रेफरेंस है हमारा C1। ओके, और ऐड C1। ओके, तो हमने एक लिस्ट बना ली चॉइस एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसके अंदर, और उसे हमने फॉर्म पे भी ऐड कर दिया, राइट। और इसके अंदर कुछ चॉइसेस डाल देते हैं। चॉइसेस में आइटम्स डालने के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं, जैसे हमारा C1 रेफरेंस है तो C1.add, हमें जो भी डालना होगा वो डाल सकते हैं। मैंने डाला फर्स्ट, या मैंने डाला BCA, अब कोर्स नेम। ओके, सो हियर इज BCA। नेक्स्ट मैंने डाला C1.add BTech। ओके, थर्ड में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल MCA और MTech, MCA, एंड द लास्ट वन इज MTech। तो हमारे पास में चार चॉइसेस हो गई हैं। C1.add MTech, राइट। सो अभी ने देखते हैं हमारे फॉर्म पे कैसे शो होती हैं। तो इसे करने के लिए हम CMD खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है। जावा सी, इसके बाद में प्रोग्राम का नेम demo.java, कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया विदाउट किसी एरर के, एंड जावा डेमो से ये रन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में एक लिस्ट बॉक्स अपीयर है और इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, इसमें लिखा है BTech, MCA, MTech, राइट। तो दिस इज़ अ बेसिक टू क्रिएट अ चॉइस लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम इस पर वर्क कर पा रहे हैं फिलहाल। आइटम पे क्लिक पे हमने कुछ नहीं किया है कि जैसे आइटम क्लिक हो रहा तो कैसे पता लगे हमारा कौन सा आइटम क्लिक हुआ, क्या फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, ये भी हमने नहीं दिखाया। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक, और इसका क्लोज बटन वर्क कर रहा है, यस ये भी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारे इसमें एक टेक्स्ट फील्ड हो और जैसे ही हम जिस पे क्लिक करते हैं वैसे हमारे टेक्स्ट फील्ड में पता लग जाए हमने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है, राइट। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड, ओके, रेफरेंस दे दिया टी इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, जिस पर हमें कुछ लिखना नहीं है। ओके, सर एक साइज दे देते हैं, मैंने 20 दे दिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि फ्लो लेआउट है तो बाई डिफॉल्ट बहुत छोटा सा टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा। और इसे ऐड करवा देते हैं फॉर्म के ऊपर, फ्रेम के ऊपर। फ्रेम का नेम है हमारा कुछ नहीं, फिलहाल हमें टी को ऐड करवाना है, तो ऐड टी। अब हम चाहते हैं सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पर एक एक्शन लिस्नर डाल देते हैं, जैसे हमारा चॉइस पे क्लिक हो वैसे वो परफॉर्म हो, वैसे हमारा एक्शन परफॉर्म जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म हो। हमने जो एक्शन लिस्नर्स पढ़े थे पिछले कुछ वीडियोज़ में वो परफॉर्म करवाएंगे यहाँ पे। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है एक इंटरफेस के लिए, इम्प्लीमेंट्स, नेम है हमारा इंटरफेस का एक्शन लिस्नर, हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था एक्शन लिस्नर। ओके, सो हियर इज इट। हमें करना क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड हमें बनाना था, बन गया, राइट। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, C1 पे क्लिक करें, चॉइस पे क्लिक करें, वैसे हमारा जो और हमारे टेक्स्ट फील्ड में वो सिलेक्ट आइटम आ जाए, राइट। तो हम यहाँ एक बटन ले सकते हैं,
यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फील्ड लिया था, अब एक बटन ले लेते हैं और टेक्स्ट फील्ड के जस्ट आगे बटन बी इक्वल टू न्यू बटन दैट हैव अ लेबल नेम्ड एज शो। ओके, और अब हमें क्या करना है, इस बटन को ऐड करवा देना है हमारे फॉर्म के ऊपर। ये हमने ऐड भी कर दिया। ओके, तो अब हमें इस पे एक एक्शन लिसनर डाल देते हैं। इस बटन के ऊपर मैंने डाला बी डॉट एड एक्शन लिसनर। ओके, एंड उसमें करेंट ऑब्जेक्ट पास कर दिया दिस। ठीक है, और नीचे क्या होगा कि जैसे हमारा ये बटन पे क्लिक होगा वैसे हमारा एक फंक्शन इन्वोक होगा, जो फंक्शन का नेम है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एंड फंक्शन, और ये रन होगा और इसके अंदर जो भी हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें हमारा टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड का नेम है टी डॉट सेट टेक्स्ट। राइट, सेट टेक्स्ट हमारा क्या करेगा, उस टेक्स्ट फील्ड में लिख दे, क्या लिख दे, सी फन डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। राइट, तो जैसे हम बटन पे क्लिक करें वैसे हमारा टेक्स्ट के अंदर आ जाए जो C1 में सिलेक्टेड आइटम है। राइट, तो देखते हैं एक बार इसे परफॉर्म करवा करके जावा सी। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एरर्स, 3 एरर्स। सो आवर फर्स्ट एरर इज C1 कैन नॉट फाइंड हाउ इट इज पॉसिबल, सो वी हैव अ चॉइस C1। ओके, ओ तो जो C1 हमने डिक्लेयर किया है वो अंदर ही डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा ही डेमो के बारे में एक्सेस नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस C1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा ये इस क्लास में, पूरी क्लास में ये वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वैसे हम इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर बना रहे थे तो खाली लोकल वेरिएबल बन गया था। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा नहीं बन रहा था, हमारा टेक्स्ट फील्ड हमने ऐड किया है, टेक्स्ट फील्ड टी, तो इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से और क्लास में इनिशिएट करवाते हैं टेक्स्ट फील्ड टी। राइट, सेव कर लेंगे, अब इसे रन करवाते हैं। ओके, सो देयर इज वन एरर, दिस इज डैम इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट, डज नॉट ओवरराइट एक्शन परफॉर्म्ड, स्पेलिंग की गड़बड़ है, वेयर इज इट। ओके, इट रिसीव्स अ एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट एक नेम लेते हैं, बस इतनी सी बात, और इट सक्सेसफुली रन जावा डेमो। और यहाँ हमारे पास में एक लिस्ट है, विच यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ देम, बीटेक सेलेक्ट किया और यहाँ पे शो बटन है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं वैसे हमारा इसके अंदर आ जाता है बीटेक। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ट्यूटोरियल। BCA सेलेक्ट करेंगे और शो पे क्लिक करेंगे तो हमारा BC आ जाएगा, जो भी हमने सेलेक्ट किया है MTech, तो यहाँ पे MTech आ जाएगा। राइट, सो आई थिंक आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा या समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा और तो कोई चीज़ इसमें नहीं बचती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर अवर टुडेज ट्यूटोरियल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।